सिद्धों के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। यूं तो बहुत किस्म की कढ़ाइयां खा के आप फेड अप हो गए होंगे, तो प्लीज आप फेड अप ना हो। हमने बनाई है ताजी मशहूर सी ईरानी चिकन कढ़ाई, जो कि बनाना निहायत ही आसान है और इतने आसान इंग्रेडिएंट है जो हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं। तो इंतजार किस बात का, चलते हैं किचन क्लोजअप में मजेदार सी ईरानी चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे न्यू तो चिकन कढ़ाई बहुत किस्म की बनाई जाती है और खाई जाती है। आज मैंने सोचा थोड़ी यूनिक स्टाइल से बनाई जाए ईरानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल डाल देना है। तेल हम डालेंगे कोई 8 to 9 टेबल स्पून। कढ़ाई में तेल डाल देने के बाद हमने डाल देना है इसके अंदर नमक। नमक आप डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। पिंक सॉल्ट डाला है मैंने और 1 teaspoon भर के इसके अंदर जीरे का डाल देंगे। जीरा आपका कड़कड़ा जाए तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 300 ग्राम मैंने चिकन ली थी वो डाल देंगे। जब चिकन का कलर हल्का हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन का डाल देंगे। लहसुन डाल के भी हमने खूब अच्छे से चिकन को भून लिया। एक छोटे से साइज की प्याज लेंगे, उसको बारीक काटा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको भी खूब अच्छे से मिक्स करते हैं। टमाटर लिए थे छोटे साइज के वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास बड़े साइज के टमाटर हैं तो आप 2 बड़े-बड़े से टमाटर ले लीजिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे 1 teaspoon धनिया क्रश कर लिया था मैंने वो डालेंगे इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1/2 teaspoon। मसालों को कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। क्रश की हुई काली मिर्च 1 teaspoon पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्सअप करते हैं। चलिए जनाब 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ईरानी चिकन कढ़ाई अपने खत्म होने के मराहिल में जा चुकी है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, बारीक कटी हुई अदरक और 1 अदरक हरी मिर्च ली थी वो डाल देंगे और इसके साथ साथ 1 teaspoon कसूरी मेथी का डाल देंगे। चले अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तैयार और ग्रेवी भी इसकी खूब अच्छी सी बनी और मजेदार सी। सर्दियों में इसको गर्मा गर्म एंजॉय करें। चले भाई से जल्दी से हम सर्व करते हैं। जबरदस्त सी हमारी ईरानी चिकन कढ़ाई खाने के लिए तैयार हो चुकी है। एक दफा तो जरूर ट्राई करना आप अपने अपने किचन में। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप बार बार इस रेसिपी को अपने किचन में ट्राई करेंगे। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो क्या काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चले फिर आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।